थोड़ा कच्चा है ना, कच्चा बुला रहा। आज मैंने रैकेट खेला इतने अरसे बाद, मुझे खेलना ही नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये जी मैं आई हुई थी अपनी मामा के घर रहने, और 2 दिन के लिए सिर्फ रहने आई थी। और पहले जी हम लोगों ने खाना शाना खाया, छोटे मोटे काम वगैरह समेटे, बाज़ार गए, वहाँ से आए और बहुत सारे काम वगैरह किए। अभी अभी जी हम मामा के घर रुकी हूँ मैं, और दोनों बहनों को मैंने काम पर भेजा अपना काम करने को। हाँ मम्मा, और ये जी मैंने कान बनवाए, बहुत दर्द हो रही है इसमें, बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने इसको पहले भी बनवाया था जब मैं 9th क्लास में थी, तो 1 महीना ठीक नहीं हुआ था, तो मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने आमना से दवाई लगवाई है इस पर कान की स्पेशल, ये तो बिल्कुल भी नहीं मसला कर रहे। ये मेरे बने हुए थे लेकिन एक बंद हो गया था, मैंने दोनों फिर नए बनवाए हैं, और इसमें मेरे बहुत दर्द हो रही है। बच्चे मेरे सो रहे हैं ये, और आमना को मैंने भेजा है लीमू पे लौंग लगाने के लिए, मच्छर काट रहे मुझे। और ईश्वा को मैंने भेजा है अपने लिए पानी गर्म करने के। बड़ी बहन होने के ये फ़ायदे हैं कि मैं दोनों बहनों से काम करवा सकती हूँ। आमना लाओ, हाथ पे रखो हमारे। ये जी आमना लाइए लीमू में लौंगे लगा कर, इसको मैं अपने सर पे रख के सोऊंगी ताकि मुझे मच्छर ना काटे। मेरा परस दो, गुड। ये है मेरी दवाई। शट अप आमना, लो ईश्वा लाओ। ये जी ईश्वा से मैंने करवाया है अपने लिए पानी गरम, लीमू डलवाया क्योंकि आज मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर ली है। मामा आमना, मैं व्लॉग बना रही हूँ। यार तुम लोग इतना शोर कर रहे हो। आमना और ईश्वा में से कोई आए, ये अपना मेरा पर्स उसकी जगह पे रखे। आमना ये चूड़ियाँ मेरी उतार के जरा वहाँ रख दे, मैं थक गई हूँ पहन पहन के। आओ उतार दे जरा, भी तेरी मेहरबानी। लोग बन रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए मैं आमना ईश्वा से कितने काम करवाती हूँ और बिलाल के काम करती हूँ। हम जोर से उतार सकती हो आप? नहीं भी डर लगता है, हाथ पे ना लगे। आमना लग जाए तो खैर है, मैं आगे कम चोटे लगी हुई है। एक दफा तुझे याद है तूने मेरा हाथ जला दिया था? एक दफा आमना देख ची ला रही थी, आमना ने मेरा हाथ जला दिया। आमना ये देख, ये वो तो मेरी अपनी गलती थी, बताइए। मैं से शरारतें करी थी, मैंने फिर पाँव जलाया ताकि सबक हासिल रहे इसको भी और तो फिर आमना मुझे सबक हासिल हुआ। हाथ खाली हो गया, सुकून आ गया, इतना भार हो रहा था। इसमें इसको संभाल के रखो और परस भी उठाओ यहाँ से, जाओ मेरी बहन जाओ फटाफट जाओ। ये जी बिरयानी का जो है मसाला तैयार कर दिया था मैंने, घर में ख़त्म थी, मेरे पापा की बरसी थी तो मैंने पकाना था। मैंने मामा से कहा था मैं खुद पकाऊंगी, ये जी मसाला तैयार हुआ था। और फिर जी नेक्स्ट डे तो इतना ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बना सकी, ये बस हम तह लगा रहे थे, मैंने ही बनाया था चावल वगैरह सब कुछ मैंने किया था, और बस मैंने आमना को अपने पास खड़ा किया था। तो मैंने आमना से कहा था चलो तुम तह लगाओ चावलों की और मैं सालन की लगाती हूँ, और तब फिर हम जो हैं चावल दम पे लगाएं। तो कुछ क्लिप जो है मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ जी मामा हमारे लिए अमरूद काट रही थी और हम अमरूद खा रहे थे। अच्छा पहले कभी ऐसा होता था मेरे पापा सेब काटते थे, खरबूजा तरबूज सब कुछ मेरे पापा काटते थे तो हम लोग खाते थे। मैं तो तभी खाती थी जब पापा काटते थे, पापा ने अगर नहीं काटना या मैं नहीं हूँ तो मैंने नहीं खाने। सेब आते थे, फूट आता था, ख़त्म हो जाता था और मैं नहीं खाती थी क्योंकि मैं कहती थी कोई मुझे काट देगा तो मैं खा लूँगी, अनार मुझे कोई छील देगा तो मैं खा लूँगी। तो बस जी यही था सारा कुछ। मम्मा को छुरी से खा रही हूँ, ये किसने दांत मारे? ये तेरे बच्चों ने। हो रिया आपने इसमें दांत मारे? नहीं बच्चों, अमन हाथ पे बैठ जाऊंगी मैं। तो सारी दुनिया बैठी है तो तुझे लेटने की जरूरत नहीं। इतनी कड़े मन्हा ने करे मुकरिया मन्हा खा रही है, वो देख किसके हाथ में।